महाकवि कालिदास और उनका मेघदूत। इसमें भी उत्तर मेघ, पूर्व मेघ कवि की कविता शक्ति का परिचय देता है, लेकिन जो उत्तर मेघ है ये सविशिष्ट इसलिए बन जाता है कि इसमें श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन फिर भी कहीं, क्योंकि जब व्यक्ति श्रृंगार में डूबता है ना, तो कई बार वो बहक जाता है, वो भूल जाता है कि सीमाएं कहां पे हैं। लेकिन कालिदास ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए रचना और श्रेष्ठ बन जाती है। चलिए, हमने अलका नगरी जो है उसका तो विवेचन देखा कि किस प्रकार की अलका नगरी है और उस अलका नगरी में कौन कौन विद्यमान है या वहां के लोग किस प्रकार के हैं, ये हमने देखा। अब उस अलका नगरी में यक्ष का भवन कैसा है, इसका वर्णन ये प्रारंभ कर रहे हैं। तत्रागारम धनपति ग्रहाद उत्तरेणास्मदीयम् दूरालक्ष्यम सुरपति धनुश्चारुणातोरणेन यश्योद्याने कृतकतनया कांतया वर्धितो मे हस्त प्राप्य स्तवक नमितो बालमंदार वृक्षः। तत्र नमस्कार, तत्र अलकापुर्याम मम गृहम कीदृशम अस्ति तस्य वर्णनम यक्ष समीपे, यक्ष मेघ समीपे करोति। तत्रागारम धनपति गृहा, धनीपति कुबेर के घर का जो वर्णन किया, कह रहे हैं कि उत्तरेण, उसकी उत्तर दिशा, धनपति कुबेर के भवन से उत्तर दिशा में अस्मदीयम यानी हमारा घर है। हमारा घर कहां है, उसकी उत्तर दिशा में। दूरालक्ष्यम, दूर से ही दिखाई दे जाएगा। कैसा दिखाई देगा, सुरपति धनुष चारुणा तोरणी ने, जैसे इंद्र धनुष बहुत सुंदर होता है ऐसे ही सुंदर तोरण वहां पे बनाया गया है, ऐसा ही सुंदर तोरण वहां लगा आपको दिखाई देगा, या इसी प्रकार का तोरण द्वार जिसका है, इस प्रकार का दूरालक्ष्यम दूर से ही जो दिखाई देगा। देखिए, जैसे जैसे आप इस यक्ष के भवन के बारे में जानेंगे आपको मालूम पड़ेगा ये कितना समृद्ध व्यक्ति है, कितना समृद्ध है। ये भले कुबेर का सेवक हो, लेकिन कुबेर के सेवक भी इतने समृद्ध हैं, ये आपको मालूम पड़ जाएगा इस चीज से। तो दूरालक्ष्यम, दूर से ही जो दिखाई दे जाता है, सुरपति धनुष चारुणा तोरणे ने, क्योंकि वहां जो तोरण है वो सुरपति यानी इंद्र के धनुष की तरह चारु यानी सुंदर प्रकार के तोरण से वो सजा हुआ है, या उसका मुख्य द्वार जो है इस प्रकार के तोरण जैसा है, इंद्रधनुष जैसा है। यश्योद्याने कृतकतनयः कांतया वर्धितो मे। अब भैया घर के अंदर का वर्णन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेघ सीधा घर के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, लेकिन वहां जब तुम बाहर पहुंचोगे तो उसके उद्यान में, उसमें एक बगीचा है उस मकान में, उस घर में, उस भवन में, और उसके उद्यान में, उसके बगीचे में कृतक तनयः, तनयः पुत्रः, कृतकः, कृतः, केन कृता, मे कांतया कृता, मेरी पत्नी ने वहां जिसको तनया यानी पुत्र बना करके वर्धितो बड़ा किया है, बाल मंदार वृक्षः, ऐसा आपको बाल मंदार का वृक्ष मिलेगा, छोटा सा कल्प वृक्ष का पेड़ आपको वहां पे मिलेगा। ये कल्प वृक्ष का पेड़ कैसा है, हस्त प्राप्य स्तवक नमिता, फूलों से गुच्छों से लदा हुआ है, और वो भी कैसे हैं गुच्छ, जो हस्त प्राप्य कि आप हाथ ऊंचे करें और वो आपकी पकड़ में आ जाए। देखिए वृक्ष हमेशा बड़े होते हैं, ये अभी इतना छोटा है वृक्ष। अब आप बताइए इस बात को कहने का अर्थ क्या है, जब आप इसके अर्थ गंभीर में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा
कि यहां यक्ष मेघ से क्या कहना चाह रहा है। मैं आपसे सबसे ये प्रश्न कर रहा हूं, मैं फिर से आपको ये श्लोक बता रहा हूं और आपको इसका जवाब देना है कि हाथ से जिस वृक्ष के पुष्पों को तोड़ा जा सकता है, ऐसा बाल मंदार का वृक्ष जिसको मेरी पत्नी ने अपना पुत्र बनाया है, उसके उद्यान में तुमको देखने को मिलेगा। ये बात यक्ष मेघ से कह रहा है। इसका क्या तात्पर्य है, इसमें से आपको क्या क्या अर्थ प्राप्त होते हैं? ऊपर की बात तो हो गई कि तत्रागारम धनपति ग्रहाद उत्तरेण आस्मदीयम, धनपति कुबेर के घर से उत्तर दिशा में मेरा घर है, दूर से ही वो घर आपको पहचानने में आ जाएगा, क्योंकि उसका जो तोरण है वो तोरण कैसे बनाया गया है, सुरपति इंद्र के धनुष की तरह, यानी बहुत सारे रंगों का, जैसा इंद्र धनुष होता है ऐसा ही सुंदर रंग बिरंगा तोरण वहां पे है, और उसके उद्यान में आपको बाल मंदार वृक्ष मिलेगा। ये मंदार वृक्ष कैसा है, मैं यानी मेरी कांता यानी पत्नी ने कृतक तनया जिसको अपना पुत्र बनाया है और उसको वर्धित तो बड़ा किया है, लेकिन बड़ा करने पे वो कितना बड़ा हुआ है, हस्त प्राप्य स्तवक नमितो, कि हाथ लंबा करें और उसके गुच्छों को आप तोड़ पाएं, अभी वो इतना ही बड़ा हुआ है, इसीलिए उसको कहा है कि बाल मंदार वृक्ष। ये मंदार का वृक्ष जो कल्प वृक्ष है ये कैसा है, भी छोटा सा, तो ये छोटा सा कल्प वृक्ष कहने का अर्थ ये भी होता है भैया कि अभी मेरी पत्नी को इस घर में आए बहुत कम समय हुआ है, अभी हम नव विवाहित हैं, इस बात को भी यहाँ यक्ष जो है मेघ के सम्मुख व्यक्त करता है, कहता नहीं है, लेकिन हमें ये भाव तुरंत ही इससे प्राप्त हो जाते हैं, और यही सामर्थ्य होता है उत्तम रचना का कि वो जो कहती है इसके अलावा उसमें से आपको व्यंग्यार्थ मिलने चाहिए, और तभी तो कहते हैं कि व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो तभी वो काव्य उत्तम काव्य होता है। हाँ, प्रसन्न रहिए। आगे वर्णन करते हैं, अपने घर का वर्णन कर रहा है यक्ष। वापी चास्मिन मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा हेमच्छन्ना विकच कमलई स्निग्ध वैदूर्यनालई यस्यास्तोये कृत वसतयो मानसं सन्निकृष्टं न ध्यास्यन्ति व्यपगत सुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा। देखिए, अगर आपको पूर्व मेघ याद हो तो यक्ष ने मेघ से ये कहा था कि जब आप यहां से आगे प्रस्थान करेंगे तो हंस आपके सहायक बन जाएंगे, वो मान सरोवर तक आपके साथ साथ जाएंगे। आ गया, तो अभी हंसों की ही बात कर रहे हैं, और हंसों की बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि यहां पे हंसों ने अपना निवास बनाया हुआ है। कृत वसतयो मानसम सन्निकृष्टम, मान सरोवर बिल्कुल पास में है, फिर भी वो वहां नहीं जाते हैं, वो यहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका वर्णन अगर आप ऊपर से देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कालिदास लिखते हैं कि वापिम चास्मिन मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा, जैसे आज बहुत बड़ा भवन होता है ना तो उसमें एक स्विमिंग पूल हुआ करता है, तो ये कोई आज के शौक है ऐसा नहीं है, पहले भी वापियां, ये छोटा सा तालाब जो होता है उसको संस्कृत में वापी कहा गया है, है? आपको उत्तम काव्य का उदाहरण याद हो, आचार्य मम्मट ने जिसको प्रस्तुत किया है, तो वहां पे वापिम स्नातुमितो गतासी, तुम यहां से सरोवर में स्नान के लिए गई थी, तो वहां पे भी वापी शब्द का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे यानी मैंने कहा कि बड़ा समृद्ध है ये यक्ष का सेवक है, और समृद्धि उसकी चीज से भी व्यक्त हो रही है कि उसके घर में जो उद्यान है उस उद्यान में एक वापी, आज की भाषा में कहते तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। अब स्विमिंग पूल जैसे होते हैं, जरा वर्णन देखिए कि इस वापी का वर्णन करते हैं, अस्मिन मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, उसमें उतरने की जो सीढ़ियां बनी है ना भैया, उसमें मरकत मणि लगे हुए हैं, मतलब उसमें मणियों का प्रयोग हुआ है, और हेमत छन्ना विकच कमले स्निग्ध वैदूर्य नाले, और जिसमें हेम यानी सोने की हेमत छन्ना से ढके हुए
विकच कमलई, उसमें खिले हुए कमल रहते हैं, स्निग्ध वैदूर्य नालई, और उनके नाल वैदूर्य मणि जैसे होते हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है कि तालाब के ऊपर कमल तो दिखाई देता है, उसके पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देता है, लेकिन उसके नाल आपको नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जल स्वच्छ नहीं होता है जहां कमल होते हैं, क्योंकि कमल के लिए तो कहा जाता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन यहां एकदम स्वच्छ जल है। इस चीज को व्यक्त कर रहे हैं कि वैदूर्य नाले स्निग्ध, जहां पे आपको उसके नाल वैदूर्य की तरह स्निग्ध दिखाई देंगे, और कमल कैसे एकदम गोल्डन है, मत चन्ना सोने के बने हुए हों, इस प्रकार के कमलों से वो छन्न यानी ढका हुआ है पूरा सब। तो फिर से देखिए कि वापी वहां पे है, और वो वापी कैसी है कि उसकी सोपान यानी कि सीढ़ियों का जो मार्ग है वो मरकत शिलाबद्ध, मरकत की शिला से यानी मरकत मणियों से बना हुआ है। यस्यास्तोये, जिसके जल में हंसा, जो हंस हैं वो कृतवसतये निवास करते हैं। मानसम सन्निकृष्टम, मान सरोवर बिल्कुल पास है फिर भी वहां नहीं जाते, यहां रहते हैं। और व्यपगत सुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य, जब आप वहां पहुंच जाएंगे और आप अपनी गर्जना करेंगे और जल वृष्टि करेंगे, तो फिर हर प्रकार की बातों को छोड़ के न ध्यास्यन्ति, वो वहां मान सरोवर जाने की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि एक तो इतना सुंदर सरोवर और उसमें भी मेघ का आ जाना और फिर मेघ के द्वारा जल की बरसात करना, यानी वो स्थान हंसों के लिए मान सरोवर से भी श्रेष्ठ स्थान है और भी श्रेष्ठ हो जाएगा आपके पहुंचने के बाद। तो भवन का वर्णन चल रहा है, यक्ष अपने भवन का वर्णन कर रहा है। तो पहले तो उसके बगीचे में कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ भैया, अब जिसके घर में कल्प वृक्ष का पेड़ हो तो फिर उसके घर में तो किस चीज की कमी हो सकती है, क्योंकि जो सोचेगा वही उसको सिद्ध होने वाला है। अब उसमें इस तरीके का सरोवर बना हुआ है, चलिए सरोवर देख लिया, आगे चलते हैं। स्विमिंग पूल के बाद और किस चीज का वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं तस्या तीरे रचित शिखरा पेशलई इंद्र नीलई क्रीड़ा शैला कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय मद गृहिण्या मद गेहिण्या प्रिय इति सके चेतसा कातरेण प्रेक्षोत्पान्त स्फुरित तड़ितम त्वाम तमेव स्मरामि। और भैया वो जो सुंदर सा स्विमिंग पूल है ना, उसके बगल में, उसके पास में तस्यास्तीरे तस्य तटे किम कृतम रचित शिखरा, वहां पे स्वाभाविक पर्वत नहीं है लेकिन एक ऐसा पर्वत है जिसकी संरचना की गई है। आपने बहुत सारे ऐसे पार्टी प्लॉट वगैरह देखे होंगे जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो अपने बगीचे में उन्होंने कहा कि यहाँ पेड़ भी हैं, यहाँ पुष्प भी हैं, और यहाँ पे ये पहाड़ भी है, और यहाँ पे सरोवर भी है, सब चीजों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे ही बहुत बढ़िया सा घर है ये यक्ष का, जिसमें अभी हमने देखा कि एक सरोवर का वर्णन किया था, अब कह रहे हैं कि उस सरोवर के तीरे यानी किनारे पे तस्यास तीरे रचित शिखरा, शिखर है लेकिन वो शिखर स्वाभाविक नहीं है, कैसा शिखर है, रचित शिखरा, बनाया हुआ शिखर है। तो बनाया किससे है, पेशलई ही इंद्रनीलई, इंद्रनील मणियों का उपयोग करके ऐसे ऐसे सुंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसको आप ग्रीन मार्बल आज की भाषा में कहते हैं, या और भी उससे भी उत्तम जो ग्रेनाइट वगैरह होते हैं, ऐसे पत्थरों का प्रयोग करके वो एक शिखर बनाया गया है, एक पर्वत की वहां संरचना की गई। तो रचित शिखरा यानी जिसकी रचना की गई है ऐसा शिखर है, और इंद्र नील मणि वगैरह के जो पत्थर हैं वो पेशलई यानी वहां स्वाभाविक रूप से नहीं थे, बाहर से लाके स्थापित किए गए हैं, और ऐसा वो क्रीड़ा शैला, वहां वो क्रीड़ा का पर्वत है। क्रीड़ा शैला का अर्थ ये हुआ कि वहां अपनी प्रेमिका को लेकर के, अपनी प्रियतमा को लेकर के यक्ष जाया करता होगा और वहां तरह तरह की क्रीड़ाएं किया करता होगा, इसलिए उसको क्रीड़ा शैला कह रहा है। और कैसा है, कनक कदली वेष्ट न प्रेक्षणीय, सोने के केले के जो वृक्ष हैं उनसे वो वेष्टन यानी घिरा हुआ है, और प्रेक्षणीय यानी अत्यंत सुंदर है, देखने के लिए अत्यंत सुंदर है। हम आपसे बात कर रहे थे कि हमने अभी उत्तर रामचरित पढ़ा था,
और उसके तीसरे अंक में, तीसरे अंक पढ़ा था हमने, तो उसमें ये आया था जब वो याद दिलाती है बासंती कि ये देखिए ये वो कदली का मंडप है जहां पे आप सीता के साथ बैठते थे। यानी ये स्थान इस प्रकार के होते हैं जहां आपको पर्याप्त शीतलता मिलती है, पर्याप्त हरियाली होती है और पत्ते बड़े बड़े होने के कारण आप आराम से वहां छुपे भी रह सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो ये बनाया हुआ है, कृतक पर्वत है और उस पर्वत पे कदली के वृक्षों से उसको घेरा गया है और जो अत्यंत दर्शनीय है, प्रेक्षणीय यानी देखने के योग्य है। मद गेहिण्यः प्रिय इति सखे, हे मित्र ये स्थान मेरी प्रियतमा को अत्यंत प्रिय है। चेतसा कातरेण, अब मैं कातर यानी बड़े ही कातर मन से, चेतसा यानी मन से, प्रेक्षोपांतः स्फुरित तड़ितम त्वाम तमेव स्मरामि। आप वहां पहुंचे हो, आप बिजली की चमकार कर रहे हो और इस समय जो स्थान मेरी प्रियतमा को अत्यंत प्रिय है उस समय उसको किस प्रकार की अनुभूति हो रही होगी, वो सारा दृश्य मुझे बिल्कुल सामने दिखाई देगा। देखिए ये चीज होती है, यक्ष मेघ से ये कह रहा है कि वो स्थान मेरी प्रियतमा को अत्यंत प्रिय है, उसके मन में इसके हजारों चित्र विद्यमान है कि उस जगह पे पहुंचेगी तो कैसे खड़ी होती होगी, कभी फोटोग्राफी वगैरह भी की होगी या जो भी कुछ किया गया हो, किसी ने एल्बम वाले फोटो खींचे हो ना खींचे हो, लेकिन हमारे नेत्र में एक कैमरा ऐसा फिट है और उसका स्टोरेज जो है वो हमारे हृदय में इस प्रकार से हुआ करता है कि कुछ चित्र हम अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं और हम मरते मर जाएं, लेकिन वो चित्र उस स्टोरेज में स्टोर रहते हैं और कभी भी उन चित्रों को खत्म नहीं किया जाता। तो यहां पे यक्ष को वो चीजें याद आ रही हैं और वो कह रहा कि कातरेण चेतसा स्मरामि, मैं कातर चित्त से इस चीज को स्मरण कर रहा हूं, त्वाम तमेव, आप भी वहां विद्यमान है। यानी भूतकाल में किसी वर्षा ऋतु में जब मेघ वहां आता होगा तो उसकी प्रियतमा किस कैसे उस स्थान पे दौड़ के चली जाती होगी, उस वर्षा का आनंद लेने के लिए किस प्रकार से आनंद लेती होगी, इस बार जब आप पहुंचोगे तो वो कैसा महसूस करेगी, वो कैसा कर रही होगी, आप क्या होंगे और उसकी स्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब ये याद नहीं आ रही है, ये तो मेरे आंखों के सामने बिल्कुल जैसे मैं उसको देख पा रहा हूं, इस प्रकार से मेघ के सामने यक्ष अपने भवन का वर्णन कर रहा है। अगला श्लोक देखते हैं। रक्ता सोकस चल किशलया केसरश्चात्र कांता प्रत्यासन्नो कुर्वक वृतिर माधवी मंडपस्य एका सख्यास्तव सहमया वाम पादाभिलाषी कांक्षत्यन्यो वदन मदिराम दोहदच्छद्मनास्या। भैया वहां पे कल्प वृक्ष का वर्णन कर दिया कि बगीचे में कल्प वृक्ष है, फिर बड़े सुंदर से सरोवर का वर्णन कर दिया, इतना सुंदर सरोवर है कि हंस जो हैं वहां रहना पसंद करते हैं, मानसरोवर जाने की उनकी इच्छा नहीं होती है। इसके बाद वहां जो एक पर्वत बनाया गया है, स्वाभाविक नहीं है, कृतक जो पर्वत है उसका भी वर्णन कर दिया, और वहां पे जब आप गर्जना कर रहे होंगे तो कितने सुंदर दिखाई देंगे वो भी परिकल्पना कर ली। लेकिन बगीचा बड़ा है, इतना छोटा सा नहीं है। वहां पे तो क्या है, रक्ता शोकस चल किशलया केसरश्चात्र कांता, लाल लाल फूल जिसमें लगते हैं, ऐसा रक्त अशोक का वृक्ष। देखिए अशोक में सफेद पुष्प तो मैंने देखे लेकिन रक्त अशोक का उल्लेख, और एकदम सुवर्ण गोल्डन, इन दो का उल्लेख भी पाया जाता है। तो आपको याद हो तो मालविका अग्निमित्रम में मालविका को ये काम सौंपा गया है कि आप अशोक का दोहद पूर्ण करें, अगर 5 दिन में उसमें पुष्प आ जाएंगे तो जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। महारानी धारणी ने ये वचन दिया था मालविका को।
यहां देखिए वर्णन करते हैं कि रक्ताशोक लाल अशोक का वृक्ष, यानी लाल पुष्प जिसमें लगते हैं, ऐसा अशोक का वृक्ष चल किशलया, पत्ती जो किशले है ना, बिल्कुल नए नई कोपल जो होती है उसको किशले बोलते हैं, और वो कैसे चल, जो हमेशा चंचल है, केसरस चात्र कांता, और उसके जो फूलों के अंदर के केसर वो चारों तरफ बड़े ही सुंदर लगते हैं, उसकी सुगंधी, उसकी प्रत्यासन्नो कुर्वक वृते माधपी मंडल, और वही कुर्वक का भी वृक्ष है भैया, ये वकुल का भी वृक्ष वहीं पे है माधवी मंडप, जो माधवी लता का मंडप है उसके पास में। अब देखिए एक बार किसी ने तपस्या की, अब उनसे कहा कि आप एक वरदान मांग सकते हो, जो आपको मांगना, कोई एक वरदान आप मांग सकते हो। तो उनने सोचा कि अगर घर मांगते हैं तो फिर शादी हुई ना हुई है, और अगर हमने कहा वर मांगा तो फिर उनने कहा कि पैसा हुआ ना हुआ, घर हुआ ना हुआ, तो फिर क्या ऐसा वरदान मांगे। तो उनने कहा कि मेरा पौत्र मेरे घर की छत पे सोने की चम्मच से मेरे हाथ से खीर खाए। तो देखिए अपना आयुष्य भी मांगा कि मैं तब तक जीऊं जब तक मेरा पौत्र हो, धन संपत्ति भी कितनी मांगी कि सोने की चम्मच से उसको खीर खिलाई जाए, हैं? और मेरा पौत्र यानी मेरा विवाह होना चाहिए, तब तो पुत्र होगा और फिर तब पौत्र आएगा, पुत्र का भी विवाह होना चाहिए और घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सोने की चम्मच चलती हो। तो भैया ये तो मांगने वाले तो बड़े बड़े होशियार होते हैं, इसी प्रकार से कालिदास वर्णन में बड़े होशियार हैं। वो रक्त अशोक का वृक्ष है इसकी बात करते हैं, कुर्वक की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये कहां पे है, माधवी लता मंडप के पास है, यानी यहां माधवी लता मंडप भी है। कितना बड़ा बगीचा होगा भैया, एक तरफ का पेड़ तो खड़ा ही हुआ है, ये सरोवर भी है, बगल में पर्वत बना है, फिर एक ऐसा लता मंडप है कि जिसमें आप बैठ सकते हैं, प्रमद वन दृश्यात है, और फिर वहां पे लाल अशोक और कुर्वक के पेड़ है। तब सख्या एका वाम पादा भिलासी, नहीं नहीं खाली तब नहीं है, मया सह तब सख्या, मेरे साथ जो आपकी सखी है भैया। अब ये देखिए ये कितना प्यारा वर्णन है, यक्ष कहता है मेरी पत्नी नहीं, मेरी और तुम्हारी जो दोनों की मित्र है, दोनों की जो सखी है, ये अशोक का वृक्ष वाम पादाभिलाषी, ये चाहता है कि मेरी प्रियतमा नहीं, मेरी प्रियतमा नहीं, आपकी सखी नहीं, सिर्फ आपकी सखी नहीं, हम दोनों की जो सखी है वो उसके ऊपर वाम पाद का प्रहार करे। और दूसरा जो वकुल का पेड़ है ना, कांक्षति अन्यो, वो दूसरा वृक्ष कांक्षा यानी अभिलाषा रखता है क्या, वदन मदिराम, कि वो अपने मुंह में मदिरा भर के उसके ऊपर कुल्ला करे, दोहद छद्मनास्या, इन दोनों की ये दोहद की इच्छाएं हैं। अब देखिए अगर आप साहित्य से परिचित हैं और विशेष करके कालिदास के साहित्य से परिचित हैं तो इस बात को उन्होंने कई जगह पर प्रस्तुत किया है, और भी जगहों पर इसको देखा गया है, लेकिन कालिदास ने बहुत इसका प्रयोग किया है। अशोक की वृक्ष में अगर पुष्प नहीं आते हैं तो ये कहा जाता है कि कोई सुंदरी, कोई कामिनी तैयार होकर के 16 श्रृंगार सज के अगर उस पे अपने चरण का प्रहार करती है, वाम पाद का प्रहार करती है, तो उसमें फूल आ जाते हैं। और मालविका के मित्रम का कथानक इसके ऊपर है कि मालविका उसी के लिए तैयार होती है और तभी 16 श्रृंगार सजी हुई मालविका को साक्षात अग्निमित्र देखते हैं, या पहली बार उसका स्पर्श उनको करने को मिलता है क्योंकि वो उनके चरण स्पर्श करती है, और उसी में दिए हुए वचन के कारण धारणी ने ये वचन दिया था कि अगर 5 दिन में इस वृक्ष में पुष्प आ जाएंगे तो तुम जो मांगोगी वो तुम्हें देंगे। तो उसको यह अभिलाषा थी कि 5 दिन में फूल आ जाएंगे, तो अगर मैं एक बार ये कह दूंगी कि महाराज से मेरा विवाह करवा दो तो वो भी मेरी बात मान ली जाएगी।
कितना ख्याल करते थे लोग इन वृक्षों की, कैसी कैसी अभिलाषाएं। और वहां मालविका की सखी का नाम बकुलावलिका है, और ये बकुल वृक्ष की विशेषता ये होती है, इस वृक्ष में फूल कब आते हैं, जब कोई कामिनी, वृद्धा की बात नहीं है, जब कोई नवयुवती युवानी के नशे में चूर होकर के और अपने मुंह में मदिरा भर के, मतलब कुल्ला भी, उनने कहा हम छोटे थे तब कई बार कुछ इस प्रकार की पंक्तियां बोला करते थे, आपने भी ये सब प्रयोग किए होंगे, भाई गरीब आदमी है, दूध से मुंह धोते हैं, चाशनी से कुल्ला करते हैं, हा? तो कुछ इस प्रकार के वाक्य बोले जाते थे, अब तो याद भी नहीं आता है। तो यहां पे मदिरा लोगों को पीने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन जब नायिका इतनी अपनी जवानी के नशे में चूर हो कि वो अपने मुंह में मदिरा भरे और फिर उसको ऐसा लगे कि नहीं इसका तो मुझे कुल्ला कर देना, और फिर वो अगर उस वृक्ष के ऊपर कुल्ला करे तो ही वो फूल देता है। ये बकुल के वृक्ष की विशेषता है। तो अब यक्ष मेघ से ये कह रहा है कि भैया वहां एक अशोक का वृक्ष है, अशोक कैसा है, रक्त पुष्प जो देता है ऐसा, और जिसमें से केसर मिलती है, केसर प्राप्त होती है, ऐसा बकुल का पेड़ है, और बकुल का जो पेड़ है ये दोनों माधवी लता मंडप के पास में। लेकिन हम आपसे बताएं कि ये दोनों वृक्ष किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, तुम्हारी और मेरी जो सखी है, ये नहीं कहता कि मेरी जो पत्नी है, नहीं, क्योंकि ये कहने से बात थोड़ी जो है ना मेघ के स्पर्श से दूर हो जाती है, मेघ को भी वो बात स्पर्श करनी चाहिए। इसलिए यक्ष कहता है कि तुम्हारी और मेरी जो सखी है ना, उसके वाम पाद की अभिलाषा एक रखता है कि उसको बाएं पैर से प्रहार किया जाए, ये अशोक के लिए है, और दूसरा यानी बकुल का वृक्ष ये चाहता है कि वदन मदिराम कांक्षति अन्यो, दूसरा जो है उसके मुंह में से मदिरा का कुल्ला उसके ऊपर किया जाए। इस प्रकार की दोहद छद्मनास्या, इन दोनों का ये दोहद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अशोक के वृक्ष में भी पुष्प नहीं आते हैं और उस बकुल के वृक्ष में भी पुष्प नहीं आते हैं। यानी एक और नई बात हमें सामने आई कि शायद इनने घर भी ये नया नया बनाया है, नई नई शादी हुई और फिर नया नया अपना रहने का घर भी इनने अलग बनाया है, क्योंकि ये सारी चीजें नई नई, वृक्ष नए हैं, ये वृक्ष भी अभी छोटे ही हैं क्योंकि इस प्रकार से पुष्प नहीं दे रहे हैं। तो कविता जब कवि लिखता है तो उसमें जो चीजें हम पढ़ते हैं उसमें से और क्या क्या भाव व्यक्त होते हैं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग को खुला रखते हैं तो बहुत सारी चीजें से निकल के आती हैं, और यही इसका आनंद होता है। मेघदूत पढ़ने में पूरी उम्र चली जाए तो भैया इतने श्लोक तो है नहीं कि मेघे मागे कतम भया या मेघे कतम भया वाली बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये यही है कि एक बार आप इस श्लोक को पढ़ लेंगे तो आपको एक आनंद प्राप्त होगा, दूसरी बार जब आप फिर से पढ़ने बैठेंगे अच्छा तो यहाँ तो ये अर्थ भी निकल के आ रहा है। जितने बार आप पढ़ते जाएंगे उतने बार आपको नए नए अर्थों की प्राप्ति होगी। ये मैंने कह दिया ये फाइनल अर्थ नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं कि जो अर्थ मैंने कहा वो अर्थ आपको भी मानना चाहिए, ये भी जरूरी है। व्यंग्य अर्थ का तो यही वैशिष्ट होता है ना कि हर व्यक्ति का वो अपना अपना अर्थ हो सकता है, अपनी अपनी अपना अपना आसमान है, या मेरा एक मुट्ठी आसमान ये मेरा अर्थ है, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए मेरी ख्याल से भी तो एक श्लोक और हो सकता है। तन मध्य च स्फटिक फलिका कांचनी वास यष्टि मूले बद्धा मणि भिरनति प्रौढ़वंश प्रकाशैहि तालैहि सिंजद वलय सुभगैहि नर्तितः कांतया मे यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठा सुहृद्वः। वह भवान सुहृदः, आपका मित्र कह नीलकंठा, नीलकंठा सिखी मयूरा, अध्यास्ते तिष्ठति कदा दिवस विगमे,
संध्या काले दिवसावसाने, दिवस विगमे दिवसावसाने। भैया कहां बैठता है इसका वर्णन ऊपर से पूरे श्लोक में किया है कि तर मध्य, यानी उस जिस बागीचा का वर्णन चल रहा है, अभी तो भवन के अंदर नहीं गए हैं, अभी तो खाली जो कुबेर के घर की उत्तर दिशा में यक्ष का घर विद्यमान है उसके बगीचे में आप घूम रहे हो, अभी उससे आगे नहीं बढ़े हो। तो उस बगीचे के मध्य में, तन मध्य यानी उस उद्यान के मध्य में स्फटिक फलिका कांचनी वास यष्टि, वहां एक बैठने का यष्टि यानी लकड़ी लगाई गई है। ये यष्टि किसके लिए? पशु कुछ पक्षी वगैरह जो हैं वो आराम से आके उसके ऊपर बैठ पाए। जिनको पक्षियों का प्रेम होता है ना, वो इस प्रकार के कुछ स्थान स्वतः बनाते हैं, उनके पानी पीने के लिए कुछ इस प्रकार के साधनों का इंतजाम करते हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ दाना पानी का इंतजाम करते हैं, और वो बड़े आराम से बैठ पाएं इसके लिए भी उसका इंतजाम किया जाता है। अब देखिए, आजकल तो शहरों में पक्षियों को देखना ही, आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे तो आपको देखने को मिलेगी, जितने बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में इस चीज़ का बिल्कुल अभाव होता चला जा रहा है। गौरैया चिड़िया क्या है आगे चल के बच्चों को पता ही नहीं है कि गौरैया चिड़िया किसको बोलते हैं। हम तो छोटे थे तो उनकी कथाएं पढ़ा करते थे कोर्स में ही, उनकी कथाएं, तो अब तो कुछ ही पक्षी हैं जिनके बारे में, जैसे भी मैंने मौलसरी वृक्ष की बात की तो किसी का जवाब ऐसा नहीं आया कि नहीं सर मैं इसको पहचानता हूँ। हम 16-17 लोग यहाँ मौजूद हैं, या तो जवाब देने में आलस किया होगा या फिर किसी को पता नहीं है, और अगर नहीं पता है तो ये एक तरीके से हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि हमें, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा हो, आपने जरूर इस वृक्ष को देखा होगा, लेकिन जिस वृक्ष को हम देखते हैं क्या हमारे मन में यह अभिलाषा होती है कि इस वृक्ष का क्या नाम है इस चीज को हम जाने? अगर हमारे मन में यह अभिलाषा नहीं होती है तो हम कुछ ज्यादा बड़े हो गए, हमें फिर से बच्चा बनना चाहिए। जो बच्चे के मन में हमेशा जिज्ञासा होती है वो कोई भी नई चीज देखता है तुरंत पूछता है पापा पापा ये क्या है, और इससे उसके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, इससे वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है। लेकिन हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमने लोगों से पूछना बंद कर दिया है। अगर आप किसी के घर पे कोई पेड़ देखते हैं, आपको कोई नया पेड़ दिखाई देता है, आपको उसका नाम नहीं मालूम है, आप किसी उद्यान में जाते देखते हैं तो वहां के माली से पूछिए, उस घर वाले से पूछिए कि यार ये कौन सा पेड़, तो हमारे ज्ञान में अभी, और प्रकृति का इतना तो हमारे ऊपर एहसान अवश्य है कि हम उसको पहचानने की कोशिश करें। कहां साफ फुर्सत है कैसे भी करके एग्जाम पास हो जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सा अच्छा सा पति हो या एक अच्छी सी पत्नी हो, और फिर हमारा घर हो और उस घर के अंदर एसी हो, सब हो, हमें प्रकृति से क्या लेना। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद भी हमें कहां लकड़ी की जरूरत है, इलेक्ट्रिक सगड़ियां हैं उन पे जला दिए जाएंगे, या गैस की वो है उनमें जला दिए जाएंगे। अब तो वो गीत ही गलत हो गया कि मरते लकड़ी जीते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का, आज तो ये गीत भी, क्योंकि आज बच्चे चलते हैं तो प्लास्टिक के साधन हो गए हैं, खिलौने भी प्लास्टिक के हो गए हैं, और लोग बाग सोने के लिए जो बेड बेड होता है अब वही मेरे ख्याल से लकड़ी का रह गया है, बाकी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लकड़ी से दूर हो गई हैं। इसलिए हम शायद प्रकृति का एहसान नहीं मानते हैं, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कालिदास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कालिदास ने मेघदूतम लिख के हमें एक संदेश ये भी दिया है कि भैया प्रकृति से दूर नहीं जाया जा सकता, प्रकृति भी आपकी तरह जीवंत है, उसके साथ जिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ आनंद कीजिए। देखिए उनका यक्ष तो जो है मेघ के साथ बात कर रहा है, हमने कभी किसी मेघ के साथ बात करने की कोशिश की है क्या? हम कोई पागल थोड़े क्या हम ऐसा करें, वो तो काम ही था, इसलिए उसको नहीं मालूम है कि क्या अंतर है चेतना चेतनेसु, उसको नहीं मालूम है। हम तो बड़े समझदार हैं, हमें तो सब पता है, इसलिए हम ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। चलिए मेघदूत हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो अवश्य प्रकृति से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो उसका आनंद तो आप लेंगे। यहां पे यक्ष ये कह रहा है कि मेरे उस उद्यान के मध्य में एक इस प्रकार की वास यष्टि ही, वास यष्टि यानी बैठने के लिए यष्टि यानी कि लकड़ी लगी हुई है। कैसी वो लकड़ी है? स्फटिक फलिका,
जिसका नीचे का हिस्सा जो है वो स्फटिक का बनाया गया है, कांचनी, और पूरी लकड़ी वो बिल्कुल गोल्डन सुनहरी, सोने से मढ़ी हुई। हाँ, मोर के बैठने के लिए भी इंतजाम करना है तो हमारे घर में तो मोर के बैठने के लिए भी जो लकड़ी लगाई गई है वो भी सोने से मढ़ी हुई है, जैसे किसी मंदिर का स्तंभ हो। ये उसकी समृद्धि को व्यक्त कर रहा है भैया है। मूले बद्धा, उसके मूल में बंधा हुआ मणिभिर अनित प्रौढ़वंश प्रकाशयी। अब वो लकड़ी को जमीन में लगाया गया तो जहां उसको रखा जाएगा फिर तो गिर जाएगी, इसलिए उसको आसपास से कुछ चबूतरा जैसा बनाया होगा, कुछ भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई होंगी। तो वो जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं क्या है? वंश प्रकाश, वंश कहते हैं बांस को, बांस के रंग के, प्रकाश का अर्थ कह सकते हैं बांस का जैसा रंग होता है, पर कैसा बांस? अनति प्रौढ़ा, जो बहुत प्रौढ़ बांस नहीं, यानी जो नया नया ताजा ताजा जो छोटा सा बांस का पेड़ होता है ना, उसकी जिस प्रकार की आकृति, उसका जिस प्रकार का रंग होता है, इस प्रकार की रंग की मणि भी मणियों के द्वारा मूले बद्धा, उसके मूल को आबद्ध किया गया है। वो मोर की बैठने का जो स्टैंड बनाया गया, वो स्टैंड जहां लगा हुआ है, उस जगह को किस प्रकार से बनाया गया, इसका वर्णन कर रहे हैं कि वो हरे रंग का, जैसे बांस का रंग होता है ना, इस प्रकार की रंग की मणियों से उसको एकदम मजबूत बद्धा, मूले मूल उसके बांधे गए हैं, इस प्रकार से उसको बनाया। ताल ही सिंजद वलय सुब गई नर्तिता कांतया में, मेरी जो कांता है ना, मे कांतया, मेरी पत्नी के द्वारा। अब यहां नहीं कह रहे कि हमारी और तुम्हारी सखी के द्वारा, नहीं, देखिए यहां क्या बात आ रही है कि मे कांतया, यानी मेरी प्रियतमा जो है, ताल ही, ताल करती है, जब कुछ इस प्रकार का ताल वाद्य बजाती हो या तालियां बजाती हो, सिंजद वलय, उसके कंगन जो आवाज करते हैं, सुभ गई ही, वो जो अत्यंत आनंद देने वाला है, नर्तिता, उसके उस ताल पे जो नृत्य किया करते हैं, कौन? वह आपके मित्र। अब देखिए, इसलिए यहां पे ये नहीं कहा कि हमारी तुम्हारी सखी, नहीं, मेरी प्रियतमा तुम्हारे मित्र को, मोर मेघ का मित्र है, क्योंकि मेघ के आगमन पे वो कितना आनंदित होता है, तो मोर जो मेघ का मित्र है, मेरी पत्नी उस बगीचे में जो मोर के बैठने का स्थान है, उस स्थान पे जब वो बैठता है तो ताल वाद्य बजाती है, उसके हाथ के कंगन आवाज करते हैं, और उस ताल पे, उस वाद्य पे जो तुम्हारा वो सुहृद नीलकंठ है ना, नृत्यति नर्तिता, नृत्य करता है, ऐसा वो तुम्हारा मित्र दिवस विगमे संध्या काल में याम अध्यास्ये, याम यानी जिसके ऊपर, किसके ऊपर, जो ये वास यष्टि बनाई गई है, इस वास यष्टि के ऊपर अध्यास्ते बैठता है। फिर से पुरुष लोग कैप को देखते हैं, यक्ष मेघ से कह रहा है कि भैया उस उद्यान के मध्य में एक बिल्कुल सोने की बनी हुई और स्फटिक का सिंहासन जिसपे बनाया, यानी मोर को बैठने के लिए खाली एक लकड़ी लगी होगी तो उसके ऊपर बैठते नहीं बनेगा, उसपे जो बेड़ा कुछ लगाया गया होगा जिसपे मोर आराम से बैठ पाए, वो स्फटिक का बना हुआ है, और उसके मूल में क्या लगा है, बांस जैसे ताजे ताजे नए नए बांस के रंग की मणियों से जिसके मूल यानी जिसका चबूतरा जैसा बनाया गया है, उस बांस यष्टि के ऊपर सायंकाल आपका मित्र मोर जो है वो आकर के बैठा करता है, और मैं प्रियतमा यानी मेरी जो कांता है वो ताल और अपने कंगन की आवाज से इस प्रकार का सुबग यानी सुंदर संगीत उत्पन्न करती है कि नर्तिता, वो मोर नृत्य करने लग जाता है। देखिए कल्पना तो देखिए कितना सुंदर वर्णन कालिदास करते हैं। चलिए 86 श्लोक पूरे हुए हैं, आज हम यहां इसको पूर्ण करें।